Bismillah Rahmanir rahman rahim Welcome to the video session of the Kantor Publisher. This company is led by Professor Dr. Shazia Naeem, CEO of the company, and by Professor Dr. Naim Khalid as the chief editor. I'm Professor Dr. Naim Khalid, PhD, University of Cambridge, UK. Along with being teacher today, I'm the chief editor of CanTop Publisher, Leading book publisher and university book printer and publisher. I worked as an ex chairman, Department of Physics, as an ex dean, Physical and Numerical Sciences, Islamic College, University Peshawar, as an ex director general, Higher Education Commission, Islamabad, as an ex lecturer, University of Cambridge, UK. Aunt, Hamara third lecture and our fellow's way. के स्टूडेंट विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्स स्टूडेंट विल बी एबल टू टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट लेकिन थोड़ा सा इन एसलोज की डेप्थ में हम जा रहे हैं और आज हमारा जो स्किल है वो राइटिंग स्किल है पिछले दो लेक्चर्स में हमारा क्या था पहला वाला था सिर्फ लिस्टिंग स्पीकिंग और दूसरा जिसमें अनोरल और अहमद ने अपनी इंट्रोडक्शन की वो इन राइटिंग किताब में प्रेजेंट था बेटा आप लोगों ने वहां पढ़ा क्या क्या चीजें पढ़ी कि अहमद ने अपना नाम बताया नाम बताने के बाद उसने अपनी उम्र बताई उम्र बताने के बाद अपने बालों के बारे में बताया अपनी आंखों के बारे में बताया और यूं उसने सारी चीजें इंट्रोड्यूस की और फिर अपने इंटरेस्ट के मुतालिक बताया क्या इंटरेस्ट थी बेटा कि आई लाइक क्रिकेट तो ये सारी जो इंट्रोडक्शन कल तक हुई थी वो हुई थी अहमद की और अनोरल की थ्रू थ्रू रीडिंग आज हमने लिखना है और इंट्रोडक्शन करनी है आप अपनी किताब के पेज नंबर फाइव पे जाएं और इसमें हमने क्या करना है हमने बाकायदा लिखना है एक तरह से ये आपकी असेसमेंट है घर में उस पर अपनी तस्वीर चस्पा करें यहाँ पे और फिर आप यहां से लिखना शुरू करें आप लोगों ने अनोरल और अहमद में पढ़ा यह क्या लफज है माई नेम इश बेटा लिखे यहां पे आपने अपना नाम लिखना है अपना नाम लिखें फोर लाइन का ख्याल रखते हुए शाबाश बेटा अगर लिख लिया है तो नेक्स्ट आए अब ये क्या कह रहे हैं आई एम आ अगर आप बॉय है तो बॉय लिखें और अगर आप लड़की है तो आपने क्या लिखना है बेटा गर्ल शाबाश बॉय की क्या स्पेलिंग है बी ओ वाई बॉय और गर्ल की जी आई आर एल नेक्स्ट आए बेटा आप कितने साल के हैं अगर आप छह साल के हैं तो यहां आपने सिक्स लिखना है एस आई एक्स सिक्स अगर आप सात साल के हैं तो आपने सेवन लिखना है सेवन की स्पेलिंग आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी है इंग्लिश में भी पढ़ी है दोनों जगहों में आपने ये सेवन की स्पेलिंग पढ़ी है एस ई वी ई एन इसके बाद बेटा लिखें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या लिखा है माई डेट ऑफ बर्थ इज जो भी आपकी डेट है डेट ऑफ बर्थ आप थर्ड अप्रैल को पैदा हुए तो आप वो लिख लें और अगर साल साथ ना भी लिखें तो सिर्फ लिख लें थर्ड टी एच आई आर डी थर्ड अप्रैल अप्रैल की स्पेलिंग साथ लिख लें उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है आप कहां रहते हैं अपने शहर का नाम लिखें आई लिव इन अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर लिखें पिंडी में रह रहे हैं तो रावल पिंडी लिखें पिशावर में रह रहे हैं तो पिशावर लिखें माई कंट्री नेम इज बेटा आप लोगों ने इंग्लिश में पाकिस्तान की स्पेलिंग देखी है पी कैपिटल होगा पाकिस्तान पी शाहबाश इंग्लिश की किताब को देखें हमारे लेक्चर्स में मैम ने आपको पाकिस्तान की स्पेलिंग बताई है तो माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान यहां पे लिख लें यहां पे माय स्कूल नेम इज बेटा यहां अपने स्कूल का नाम लिखें जो भी आपके स्कूल का नाम है उसकी स्पेलिंग कंफर्म करें आपकी कापियों के ऊपर लिखी होगी कहीं पे ये आपने अपनी इंट्रोडक्शन करवा दी अभी आपने अपने फेवरेट चीजों का के मुतालिक लिखना है सब्जेक्ट आप सबको पता है इस वक्त हम सोशल स्टडी डिस्कस कर रहे हैं सोशल स्टडी सब्जेक्ट है हमारा लेकिन जो सब्जेक्ट आपको पसंद है अगर इंग्लिश पसंद है तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश लिखोगे अगर मैथमेटिक्स पसंद है तो मैथमेटिक्स लिखें साइंस पसंद है तो साइंस लिखें उर्दू पसंद है तो उर्दू लिखें इस्लामियात पसंद है तो इस्लामियात लिखें गेम कौन सी पसंद है शाबाश बेटा अगर फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल की स्पेलिंग लिखें क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट लिखें कोई सी गेम जो आपको पसंद है लड़कियों को जो गेम पसंद है उसकी स्पेलिंग ढूंढ लें वो लिख लें आपको कौन सा कलर पसंद है अगर रेड कलर पसंद है तो रेड लिख लें चावज बेटा रेड की क्या स्पेलिंग है आर ई -e डी रेड अगर ग्रीन पसंद है तो ग्रीन लिख लें ग्रीन की क्या स्पेलिंग है जी आर डबल ई एन ग्रीन उसके बाद फ्रूट के बारे में लेके बेटा कौन सा फ्रूट पसंद है अहमद को कौन सा फ्रूट पसंद था याद है बेटा मैंगो अनोरल को कौन सा फ्रूट पसंद था मुझे तो भूल गया मेरे ख्याल में क्या था शाबाश आपको जो भी फ्रूट पसंद है उसका नाम यहां पे लिख लें फोर लाइन का ख्याल रखें आपको पता है सीजन आप साइंस में पढ़ते हैं कितने सीजन है मुख्तलिफ आपको पता है विंटर समर ऑटम आप किस मौसम में खुश होते हैं जो भी सीजन आपको पसंद है उसकी स्पेलिंग यहां पर लिख लें अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने आप को राइटिंग थ्रू राइटिंग इंट्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के बारे में भी लिख पा रहे हैं ये बेटा आज हमारा टास्क था कि हमारे बच्चे इस काबिल हो जाए कि वो अपने आप को राइटिंग में भी इंट्रोड्यूस कर सके और अपने इंटरेस्ट के मुतालिक भी बोल सके बेटा आप वर्क बुक पर चले जाएँ पेज नंबर फोर पे अभी आपने काम खुद करना है मैं हेल्प करा रहा हूँ क्या करना है पेस्ट पिक्चर ऑफ यूअर्स एंड ऑफ यूर ब्रदर स्लेश सिस्टर इन द गिवन बॉक्स एंड राइट डाउन योर लाइक एंड डिसलाइक एज वेल एज यूर ब्रदर सिस्टर्स अगर आपके बहन भाई नहीं है तो अम्मी की तस्वीर साथ लगा लें अबू की लगा लें और अपनी तस्वीर लगा लें आपने क्या डिस्कस करना है यहाँ हमारी सारा कुछ हमने सोचना है आई लाइक like, जो चीज़ आपको पसंद है वो कह दें जो भी चीज़ पसंद है गेम पसंद है फ्रूट पसंद है कलर पसंद है जो भी है जो भी पसंद है वो लिख लें यहाँ पे, उसके बाद जो चीज़ ना पसंद है वो भी लिख लें अगर आपको गर्मी का सीजन पसंद नहीं है तो वो लिख लें जो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो यहां पे उस वो लिख लें आई वॉन्ट टू बी तुम क्या बनना चाह रहे हो तुम टीचर बनना चाह रहे हो तुम पायलट बनना चाह रहे हो तुम आर्मी में जाना चाह रहे हो जो चीज भी बनना चाह रहे हो यहां पे अपनी इंटरेस्ट आपने लिखनी है शावर बेटा ये तीनों चीजें अपनी लाइक बतानी है लिखनी है अपनी डिसलाइक जो चीज पसंद नहीं है वो फोर लाइन का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि ये कापियां आपने आगे अपने टीचर्स को भेजनी होगी और उन्होंने इस पर करेक्शन लगानी है तुम क्या बनना चाह रहे हो आई वॉन्ट टू बी वो कर ले उसके बाद जिसकी यहां पे तस्वीर लगाई है उससे पूछें। अगर वो आपका भाई है तो शी काट के लेकिन ही लाइक्स जो चीज भी उसको पसंद है अगर आपकी बहन है तो ही काट के शी लाइक्स अगर अम्मी है तो ही काटो शी लाइक्स अगर अबू है तो ही काटो ही लाइक्स शी काटो ही लाइक्स यहां पे आपने करना है इसी तरह यहां पे जो चीज उसको नापसंद है वो लिखे और अगर वो कुछ बनना चाहता है आपके भाई बहन तो वो यहां लिख सकते हैं और अगर वाले जो कुछ बन गए हैं तो उसमें फिर ये सेंटेंस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपने लिखना होगा He is अगर वो डॉक्टर है तो लिखोगे He is a doctor या अगर आप, आपकी अम्मी सपोज करे टीचर है तो आप लिखोगे She is a teacher तो आपका ये पेज कंप्लीट हो गया और आप अपने स्कूल को बड़े आराम से दिखा सकते हैं कि आपको अपने लाइक डिसलाइक का भी पता चल गया और अपने वालदेन या बहन भाई के लाइक डिसलाइक का भी पता चल गया पेज नंबर फाइव वर्कबुक पे जवाब जब जाए तो यहां पे थोड़ी सी एक्टिविटी आपने अपने दोस्तों को फोन कर रहा है करना है स्पीक टू योर फ्रेंड एंड आस्क देर लाइक एंड डिसलाइक जिस तरह यहां आपने बहन भाई के साथ किया वो तो घर में था आजकल आपके दोस्त आपको अवेलेबल तो नहीं है लेकिन टेलीफोन पर तो कंटेक्ट कर सकते हो तीन दोस्तों के नाम लिखो दोस्तों को फोन करो उनके नाम लिखो और फिर उनसे लाइक पूछो तुम्हें क्या पसंद है दूसरे से पूछो तुम्हें क्या पसंद है तीसरे से पूछो तुम्हें क्या पसंद है और उससे जो चीजें पसंद नहीं है वो भी पूछ लो और यहां पे लिख लो ये बेटा आपने तीन दोस्तों को टेलीफोन करना है पहले उनके नाम लिख लो फिर उनसे उनके लाइक और डिसलाइक हर एक से पूछ लो उसके बाद क्या करना है नाउ कंपेयर यूर लाइक्स एंड डिसक विथ दैट ऑफ यूर फ्रेंड फ्रेंड्स एंड राइट द नेम ऑफ दैट फ्रेंड विथ होम यूर लाइक एंड डिसलाइक मैच क्या मतलब है यहां आपने दोस्तों से पूछा यहां आपने अपनी लाइक डिसलाइक की बात की अभी आपने अपनी लाइक डिसलाइक को देखना है किस दोस्त के साथ आपकी लाइक डिसलाइक मिल रही है अगर आपने यहां अली लिखा हुआ है यहां अहमद लिखा हुआ है यहां सारा लिखा हुआ है और आपको भी सपोज करें फुटबॉल पसंद है और अहमद को भी फुटबॉल पसंद है आपको भी गर्मी में आप डिस्टर्ब होते हैं डिसलाइक करते हैं पसंद नहीं करते और अहमद भी डिसलाइक करता है तो आपने यहां अहमद का नाम लिखना है और जो आपकी लायक और अहमद की लाइक है वो लिखनी है ये दोनों चीज़ें करने से आपको पता चल गया कि आपका मिजाज किन किस दोस्त के साथ ज़्यादा मिलता है कि जो चीज़ें उसकी पसंद है वही चीज़ आपकी पसंद है जो वो ना पसंद करता है उस चीज़ को आप भी ना पसंद करते हैं इन दोनों जगहों पे हमने देखें नीचे टीचर सिग्नेचर लिखा हुआ है हमारी तो ये इस्तद है कि अपनी ये कापियाँ जो आप फिल कर लें या बजरिया एक्चुअल कापी भेज दें स्कूल ताकि टीचर चेक करें वरना व्हाट्सएप के थ्रू भेज के टीचर से वेरीफाई करें ताकि वो आपकी स्पेलिंग और दूसरी करेक्शन कर सके इसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे समर पैक पे चले जाएं जो आपके पास समर पैक हाथ में है तो बहुत अच्छा है समर पैक में भी यही एस एल ओ डिस्क्राइब दम सेल्स ब्रीफली यहां पर हमने क्या पूछा दिस हैज बीन एड्रेस्ड इन द बुक कि बच्चों ने अपने आप को डिस्क्राइब किया हुआ है हमने कहा है, बता दो द एस एल ओ नंबर वन यानी ये वाला एस एल ओ हैज बीन एड्रेस्ड ऑन पेज नंबर आपने किताब देखा था अहमद वाले पेज और अनोरल वाले पेज में एड्रेस हुआ था आप माय सोशल स्टडी बुक नंबर 1 तो आपको पता चल गया कि डिस्क्राइब देमसेल्फ्स ब्रीफली कहां पे डिस्कस हुआ है फलाने फलाने पेज पे हुआ है यहां पे पूछा गया व्हाई स्टडी दिस एसएलओ हम ये एसएलओ क्यों पढ़ रहे हैं ये किताब में क्यों दिया हुआ है देखिए आप पिछले तीन लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं हम बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा इन फ्रंट ऑफ अदर लोगों से मुलाकात करेगा तो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा यह इस एस एल ओ का बेसिक मकसद है नीचे ये टेक्स्ट पढ़ लें और ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लें एक्टिविटी में और कुछ नहीं है आपने देखना है थोड़ी सी ड्राइंग करनी है अब यू चूज यूअर फेस योर जेंडर एंड ड्रॉप फेस अकॉर्डिंग टू योर फीचर ये आपने देखना है ये लड़का है कि लड़की अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़के वाला फेस चूज करना है और अगर लड़की है तो लड़के वाला और इसको कलर करना है उसके बाद ये वाले क्वेश्चन किस ऐसे लो पे है इस ऐसे लोह पर क्वेश्चन है कि बच्चा अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है कि नहीं क्वेश्चन क्लियर है वट इज योअर नेम तो आपने क्या लिख रहा है माई नेम फलाना और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने वहां पढ़ लिए हैं लिसनिंग स्पीकिंग में भी कर लिए, रीडिंग में भी कर लिए और राइटिंग में भी कर लिया वट इज योअर एज अपना एज लिख लो इन विच क्लास डू यू रीड अपनी क्लास के बारे में लिख लो कि आप किस क्लास में हैं। ये वाला ऐसे लो कि अपनी इंटरेस्ट कि तुम्हारी क्या लाइक like और डिसलाइक है ये दूसरा हमारा ऐसे लो था और ये हमारे समर पैक में बाकायदा दिया हुआ है कि पहले तो आप पता लगाएं कि ये वाला किताब में कहां एड्रेस हुआ है नंबर तो आपको आराम से पेज नंबर मिल जाएंगे किताब खोलें कि, कि कहां पे अहमद और अनोरल ने अपनी लाइक और डिसलाइक डिस्कस किया और इस एस एल ओ का मकसद क्या है क्यों ये एस किताब में दिया गया है आफ्टर रीडिंग द टेक्सट फ्रॉम यूर बुक रिलेटेड टू दिस एस एल ओ यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट यूर लाइक एंड डिस जब आपने ये सारा कुछ किया पिछले तीन लेक्चर अभी आप इस काबिल हैं कि आप अपने पसंद और नापसंद के मुताल बोल सके जब आप किसी के साथ बैठे उठे बैठे तो आप कुछ डिस्कस कर सकें यू कैन ईजिली टेल वट आर योर फेवरेट थिंग्स आपने जरूरी बात या फेवरेट थिंग के मुतालिक बात कर ली अब आपने ये पूरी चूज यूअर फेवरेट वन फ्रॉम द गि थिंग्स आपने यहाँ से अपने अपने फेवरेट चीजें चूज करनी है और लिखनी है ये एक्टिविटी कम्प्लीट करनी है माई फेवरेट कलर इज जो भी आपका फेवरेट कलर है उस वो यहाँ स्पेलिंग लिख ले माई फेवरेट फ्रूट इज आपने लिखना है माई फेवरेट गेम इज वो लिखना है आई वॉन्ट टू बी आप क्या बनना चाहते हैं ये कम्पलीट करना है पेस्ट दिक्चर्स एंड आइट द नेम हम आपकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कल को आप कहें कि मुझे मेरे बाबा बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए यहां पेस्ट यूअर पिक्चर हेयर यहां अपनी तस्वीर आपने पेस्ट करनी है और अपना नाम भी लिखना है पेस्ट दिक्चर ऑफ यूअर फेवरेट सीजन जो सीजन पसंद है वो पेस्ट करें और यहां उस सीजन को लिख लें पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल जो सब्जी अच्छी लगती है उसको उसकी तस्वीर पेस्ट करें और उसका नाम लिखें पेस्ट द पे, पिक्चर ऑफ योर फेवरेट रिलेटिव कौन सा रिश्तेदार तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसकी तस्वीर पेस्ट करें और उसका रिश्ता लिखें नाम लिखें पेस्ट द पिक्चर रिलेटेड टू तो योर फेवरेट सब्जेक्ट पेस्ट द पिक्चर रिलेटेड टू तो योअर फेवरेट सब्जेक्ट ये करेक्ट चीज़ क्या है पेस द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट जो रिलेटेड चीज़ है अगर आपको साइंस पसंद है तो साइंस की किताब कर लें या साइंस की कोई पिक्चर यहाँ पे लगा लें और यहाँ लिख लें साइंस पेस द पिक्चर ऑफ़ योर स्कूल अपने स्कूल की तस्वीर कहीं से ढूंढें और उस अपने स्कूल का नाम लिख लें ये आपने करना है और इसकी मदद से इन अभी आप इस काबिल हो गए हैं कि आप ये दो ऐसे लोस जो माई सेल्फ में थे माई सेल्फ सबक में थे क्या दो ऐसे थे हमारे क्लियर ऐसे लोस हैं कि बच्चा किस काबिल हो जाए बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो क्या कर सके ये हमारे ऐसे थे माई सेल्फ सबक था और हमारे ऐसे लोते थे कि बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके और बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुतालिक बोल सके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चारों लेक्चर तीन लेक्चर सुनने के बाद आप बच्चों से जिस तरह के भी टेस्ट लेंगे वहाँ वो ओरल हो लिसनिंग स्पीकिंग में वहाँ वो रीडिंग में हो वहाँ वो राइटिंग में हो इनशाला आपका बच्चा इस काबिल होगा और बेटा आपने इस काबिल बनना है कि आप ये दोनों काम कर सकें थैंक यू वेरी मच